सो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस चेंज हो जाए कोई सा भी फैक्टर जो आई एस एल एम करव को अफेक्ट करता है वो एग्रीगेट डिमांड शॉक करेगा तो इनमें से कोई ना कोई फैक्टर चेंज होता है तो इससे uh, जो है वो रिकरेंट फ्लक्चुएशंस आउटपुट में पैदा होती हैं बिजनेस साइकिल्स फ्लक्चुएशन पैदा होती हैं एम्प्लॉयमेंट फ़्लक्चुएट्स इन द सेम डायरेक्शन एज आउटपुट तो रिसेशन में हमने देखा कि आउटपुट कम हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और इसी तरह जब एक्सपेंशन होगी बूम होगा तो आउटपुट में इजाफ़ा होगा तो एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा सो so, ये भी उसके साथ कंसिस्टेंट है बात मनी इज़ प्रोसिकल एंड लीडिंग ठीक है तो कैंस के मुताबिक हमने देखा कि मनी सप्लाई में जब इजाफा होता है तो उससे आउटपुट में इजाफा हो जाता है ठीक है प्रोसिक्लिकल है प्रोसिक्लिकल का मतलब कि जिस डायरेक्शन में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जाती है उसी उसी में कोई एक पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है सो so, प्रोसिक्लिकल है और लीडिंग भी है कि पहले मनी सप्लाई में इजाफा होता है और वो फिर बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें इजाफे का सबब बनता है वो उसको लीड करता है एटलीस्ट सो इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेबल गुड स्पेंडिंग इज प्रो सिक्लिकल एंड वॉलेटाइल ये भी एक बिजनेस साइकिल फैक्ट हमने शुरू में जब स्टडी किए थे तो इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेबल गुड्स जो हैं ये प्रोसिक्लिकल है नंबर वन के जब एक्सपेंशन होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और लोगों का ड्यूरेबल गुड्स पर स्पेंडिंग में इजाफ़ा हो जाएगा और दूसरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं इसका मतलब ये था कि जितनी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजिज़ आती हैं इनमें चेंजेज़ उससे कहीं ज़्यादा आती हैं ये ज़्यादा वॉलेटाइल हैं सो कैंडियन मॉडल एक्सप्लेन दिस इफ़ शॉक्स टू इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेबल गुड स्पेंडिंग आर द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल यानी बिजनेस साइकिल जो एग्रीगेट डिमांड शॉक की वजह से होता है और अगर वो शॉक इस वजह से आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट में या ड्यूरेबल गुड्स में स्पेंड ड्यूरेबल गुड्स की स्पेंडिंग में तब्दीली आई है तो वो फिर इसको एक्सप्लन करता है कैंडियन बिलीव्ड इन एनिमल स्पिरट्स वेव्स ऑफ पेस्टिमिज्म एंड ऑप्टिमिज़म एज़ अ की सोर्स ऑफ बिजनस साइकिल्स के कैंडियन इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब एक ऑप्टिमिज़म की वेव आती है तो वो फिर मोस्टली लोग वो सारे ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और इसी तरह जब पेस्टमिज़म की वेव आती है तो फिर वो लोग पेस्टिमिस्टिक हो जाते हैं और उसके नतीजे में फिर रिसेशन और जो बूम्स हैं और कंट्रेक्शन और एक्सपेंशन जो है ये पैदा होती हैं सो दिन इन थ्योरी फिट्स सर्टन बिजनेस साइकिल फैक्ट्स फॉर एग्जाम्पल एक और फैक्ट ये था कि इन्फ्लेशन इस प्रोसिकली कल एंड लैग के रिसेशन में इन्फ्लेशन कम हो जाता है बूम में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है और ये ये लैकिंग है यानी बाकी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ये फॉलो करता है उसके बाद इसके टर्निंग पॉइंट्स उसके बाद आते हैं सो द कैजियन मॉडल फिट्स द डाटा ऑन इन्फ्लेशन बिकॉज द प्राइस लेवल डिक्लाइंस आफ्टर अ रिसेशन हैज़ बिगन एट द इकॉन मूव्स टू वर्ड्स जनरल इकलिब्रियम कि जब रिसेशन हो जाएगा ओके okay? सो so, उसके नतीजे में इकॉनोमी जब जनरल एकबरीम की तरफ जाएगी तो फिर प्राइसिस में कमी होना यानी जो इन्फ्लेशन के हवाले से जो एविडेंस थी ये इस मॉडल की भी वही इम्प्लीकेशन है वो उसको जस्टिफाई करता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रोसिक्लिकल लेबर प्रोडक्टिविटी जो थी आपको याद होगा कि क्लासिकल मॉडल का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उनमें क्लासिकल मॉडल में चूँकि बिज़नेस साइकिल सप्लाई शार की वजह से आते हैं तो इसलिए जब आउट आ, में इजाफा होता है तो उससे लेबर प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हो जाता था क्योंकि बिजनेस प्रोडक्शन फंक्शन आप शिफ्ट कर जाता है लेकिन अगर प्रोडक्शन फंक्शन स्टेबल है तो जब भी आउटपुट में इजाफा होगा तो ड्यू टू तो डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर ठीक है एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी तो ये एक तरह से एक वीक पॉइंट था लेकिन वो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं केंद्रियन स्कूल ऑफ थाट वो कहते हैं कि फार्म्स में होल्ड लेबर इन रिसेशन रादर दैन फायर वर्कर्स बिकॉज ऑफ द कास्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू वर्क के रिसेशन जब होता है जब डिमांड कम होती है तो वो वर्कर्स को फायर नहीं करते वो उनको होल्ड कर लेते हैं इससे लेबर होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको होल्ड कर लेते हैं क्योंकि फायर करने के नतीजे में फिर उसके से कॉस्ट उनको बियर करना पड़ेगी दोबारा जब हायरिंग की कॉस्ट है ट्रेनिंग की कॉस्ट है और इस तरह से फर्म की अपनी रिप्यूट का मसला होता है तो इसलिए वो उनको फ़ायद नहीं करते उनको रिटेन करते हैं उनको होल्ड कर लेते हैं उनको उस वक्त किसी और काम में मसरूफ कर लेते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है रिसेशन में और जब वो दोबारा इकोनमी एक्सपेंड करती है तो फिर वो अपनी काम करते हैं सच होल्डेड लेबर इज़ यूज लेस इंटेंसिवली बींग यूज ऑन मेक वर्क आर मेन्टेनेंस टास्क एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू माईर आउटपुट सो so रिसेशन में प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा सप्लाई शॉक में तो प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से होता था तो यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन स्टेबल होने के बावजूद रिसेशन में एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो जाएगा इसलिए कि वो लेबर को उन्होंने होल्ड किया हुआ है और उसे वो बहुत इंटेंसिवली उसको यूज़ नहीं कर रहे सो इन द रिसेशन मेक प्रोडक्टिविटी इज़ लो इवन दो द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ स्टेबल सो लेबर होल्डिंग एक्सप्रियस वाई लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ प्रोसिक्लिकल इन द डाटा विदाउट अज्यूमिंग दैट रिसेशन एंड एक्सपेंशन आर कास्ट बाई प्रोडक्टिविटी शॉक मेरे ख्याल में ये बात मैं दोबारा इसको एक्सप्लन करता हूँ आपने इसको उससे लिंक करना है कि क्लासिकल मॉडल में क्या था कि सप्लाई शॉक की वजह से प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट करता था और उससे एवरेज लेबर जो प्रोडक्टिविटी थी वो प्रोसिक्लिकल थी तो यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन स्टेबल है ठीक है तो इसकी इम्प्लीकेशन तो ये होना चाहिए थी कि जब आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होनी चाहिए ड्यू टू डिमिनिशिंग प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट की वजह से लेकिन ये कम नहीं हो रही इसको वो जस्टिफाई करते हैं लेबर के होल्ड करने के कॉन्सेप्ट से कि वो होल्ड कर ली जाती है इसलिए वहाँ पर वो कम हो जाती है रिसेशन में ओके थैंक यू